हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ माइक्रोमीडिया अडोब फ्लैश 8। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एनिमेशंस बना सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए अपनी कुछ एनिमेशंस यहाँ पे रखी है सेव करके, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अलार्म क्लॉक, ये मैंने एक स्टोरी बुक में देखी थी तो मैंने उसे देख के बनाया इसे। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये बर्ड, ये आप देख सकते हो, ये 2D एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है लेकिन उसमें मैंने 3D बनाया है। तो इसे बनाने का अलग ही तरीका होता है, वो हम आगे आके सीखेंगे। फिर ये कॉफ़ी मशीन जैसा मैंने भी बनाया एनिमेशन, और ये बहुत छोटी सी मूवी है डायनासोर की। तो मैंने ये वाली एनिमेशन मैंने तब बनाई थी जब मैं 10 या 12 साल का था, मुझे ठीक से याद नहीं है, उसके ही करीब था मैं, तब मैंने ये एनिमेशन बनाई थी। मैं एनिमेशन बहुत टाइम से बना रहा हूँ और इसे मैंने बहुत इन्जॉय भी करोगे आप जब आप इसे बना सीखोगे। और ये आप देख सकते हो, ओके, आई होप कि अगर आपको समझ में आया होगा। तो ये एक राइड है जो आप अम्यूजमेंट पार्क्स में देख सकते हो। फिर ये आप डस्टबिन के एनिमेशन देख सकते हो। तो गाइस अगर आप नोटिस करो तो इसमें काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको, जैसे कि ये मैंने डस्टबिन को बस यूं ही नहीं बना दिया। आप देखो तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर डस्टबिन का समझा पहले कैसा होता है। यहाँ पर इसको दबाते हैं, ये उठता है, ये नीचे की तरफ प्रेस होता है और ये इस तरफ से फोर्स लगने पर उठता है। तो भाई आपको हर चीज़ की स्टडी करते हुए इसको बनाना होता है। फिर ये बहुत ही मज़ेदार है फायर, ये आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। तो भाई मैं आप देख सकते हो थोड़ा ब्लर है, थोड़ा शाइन हो रहा है। ये सारे इफेक्ट मैंने अलग से वीडियो एडिटिंग में नहीं डाला, ये मैंने फ्लैश में इटसेल्फ इन फ्लैश इसको किया है। तो बहुत कुछ हो सकता है इसमें। ये गार्डफील्ड कार्टून की छोटी सी एनिमेशन मैंने खुद बनाई है। तो ये एनिमेशन बहुत पुरानी है, और ये स्प्लैश, ये स्टोन आया, और ये पानी, और ये टीरेक्स देख सकते हो, ये मैंने तब बनाई थी जब मैं 7 साल का था। और इसके बाद इसका मैंने टाइटल नहीं दिया, ये बहुत फनी मूवी है। बनाने मुझे काफ़ी टाइम लगा था इसे, क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मज़ा बहुत आता है इसे देखने में। आप देख सकते हो यहाँ पे बॉल यहीं पे हैंग हो गई। और ये बहुत ही सिंपल सी एनिमेशन जो कि मैं तब बनाई थी जब मैं 5 साल का था। ये बहुत ही सिंपल सी एनिमेशन है, आप देख सकते हो, बस पानी थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है और बस ये आँच ऊपर नीचे हो रही है और थोड़ी सी रोटेट हो रही है। तो गाइस अब मैंने आपको अपनी कुछ एग्जांपल्स दिखा दी एनिमेशन के, तो अब मैं एक काम करता हूँ, आपको बनाना सिखाता हूँ सीधा प्रोजेक्ट लेवल पे। इंट्रोडक्शन वगैरह इतना नहीं करेंगे अभी, जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट लेवल पे सीखते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो गाइस अब मैं ये अपना फ्लैश ओपन कर चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो अभी आप फाइल बना के सेव करने वाले हो वो आपको यहाँ पर दिखेगी, रिसेंटली फाइल्स ओपन की हुई। और उसके बाद यहाँ पर ये आपको अलग अलग मिलती है, यहाँ से आप कोई भी सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एनिमेशन बनानी है तो उसके लिए फ्लैश डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 100% पे रहेगी ये स्क्रीन, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। मैं इसे शो फ्रेम पे रखता हूँ तो ये एग्जैक्टली आप देख सकते हो फ्रेम पर रहती है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करके रूलर्स पर क्लिक करता हूँ मैं, और ये जूम। तो गाइस ये देखो यहाँ पर ये जो अलग अलग टूल्स हैं इसका अलग अलग इस्तेमाल होता है। इसमें काफ़ी टूल सेम है पेंट की तरह, अगर आपने MS पेंट इस्तेमाल किया हुआ है तो फिर आप काफ़ी चीज़ इसमें समझ सकते हो कि कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल होने वाली है ऑफ कोर्स। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर हर चीज़ के लिए अलग अलग शॉर्टकट की है, जैसे कि मैं ये माउस देना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन टूल V,
तो अगर मैं अलग अलग आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि सर्कल के लिए शॉर्टकट की है ओ, और ब्रश के लिए है बी, पेंसिल के लिए वाई, इरेजर के लिए ई। तो जैसे मैंने इन सबको याद करके रखा है, एक्चुअली मैं बैठ के याद नहीं कर रहा था इनको, बस ये धीरे धीरे मैं यूज़ करता गया और मुझे याद हो गए। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप याद करते बैठो इन सबको, नहीं याद करोगे तो भी ठीक है, लेकिन क्या इससे काम थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो जैसे आप देख सकते हो, मुझे सीधा इसकी ये मैग्नीफाइंग टूल का इस्तेमाल करना है, तो मैं इसे जेड दबाता हूँ या फिर एम दबाता हूँ तो फिर वो आ जाता है। और अब मैं इसको क्लिक करके भी जूम कर सकता हूँ या फिर ऐसे ड्रैग करके छोटा सा हिस्सा जूम कर सकता हूँ मैं। और इसके बाद मैं कर्सर लेता हूँ और स्केल को लेके एग्जैक्ट इस फ्रेम पे रखता हूँ। तो गाइज ये फ्रेम पे आपको स्केल रखना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक्चुअली ऐसा करने से अगर आपकी फ्रेम छुप भी जाती है ना, तो आप स्केल के थ्रू पता लगा सकते हो कि हाँ आपकी फ्रेम कहाँ पर है। तो मैं इस जगह को भी ऐसे स्केल से कवर कर देता हूँ। अब एक सेकंड गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, मैं इसे अब शो फ्रेम पे रखता हूँ। अब मैं यहाँ से रूलर्स को चाहूँ तो हटा सकता हूँ, ये जो रूलर्स मैंने लगाई वो यहीं पे रहने वाली है। मैं फिर से शो फ्रेम पे करता हूँ, थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो गाइज अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं एक सनराइज का सीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लेयर्स देख सकते हो, यहाँ पे फ्रेम्स है। गाइज मैं आपको हर चीज़ नहीं एक्सप्लेन करना चाहता क्योंकि आप बहुत बोर हो जाओगे उसमें, इसे मैं सीधा प्रोजेक्ट लेवल पे आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से काम करता हूँ, इस लाइन को सेट करके यहाँ से मैं 100% पे जाता हूँ और यहाँ नीचे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ। गाइस आपको यहाँ पे टेंशन की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे आपकी लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है या कुछ भी हो रहा है, आप बस बनाते जाओ। जो भी कुछ इस वाइट फ्रेम के अंदर होगा ना, वही दिखने वाला है आपकी मूवी में। भले आप उसको मैक्सिमाइज करो तो आसपास की चीज़ें दिखे, लेकिन जब आप उसको वीडियो में कन्वर्ट करते हो तो फिर आपको बस इतना ही फ्रेम दिखने वाला है। तो वीडियो में आप फ्लैश फाइल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो मैं आपको जल्दी बताऊंगा, लेकिन अभी हम शुरू करते हैं। ये मैंने एक सॉरी यहाँ पे मैंने एक पहाड़ जैसा बना दिया। अब मैं यहाँ से एक और एक पहाड़ जैसा बनाता हूँ। ये मैंने बना दिया। ओके, ठीक ही लग रहा मुझे। तो अब हम लोग एक सन बनाते हैं, या सन बनाने से पहले हम लोग इसे कलर करने वाले हैं। तो ये देखो यहाँ पे आप यहाँ मैंने बकेट सेलेक्ट किया। अब यहाँ से आप लाइन का कलर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से उसका जो भी चीज़ आपने ड्रॉ की उसका क्या कलर होना चाहिए बीच में वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क ग्रीन। आप चाहो तो फिर पेंट की तरह यहाँ पे क्लिक करके आप चूज़ भी कर सकते हो कलर। तो ये देखो यहाँ मैंने ये कलर किया और मैं थोड़ा सा और डार्क लेके यहाँ कलर कर देता हूँ। तो गाइज अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही एकदम प्लेन कलर हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हो थोड़ा और अच्छा हो इसका इफेक्ट, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। बस इस पर क्लिक किया ना, तो फिर ये सिर्फ बीच का हिस्सा सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो फिर आप देख सकते हो आउटलाइन भी सिलेक्ट हो जा रही है। अगर मैं सिर्फ आउटलाइन पर डबल क्लिक करूँ तो पूरी आउटलाइन सेलेक्ट हो जाती है। तो अब मैं सिर्फ कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ साइड का एरो मैं सिलेक्ट करके ये कलर वाला स्विच यहाँ पे आपको मिलेगा और ये कलर मिक्सर। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, वैसे तो बहुत कम चांस से नहीं मिले, रिसेंटली अगर आप इंस्टॉल करते हो फ्लैश को तो फिर यहीं पे होता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है कलर मिक्सर या कलर स्विचर, तो आप यहाँ पे विंडोज़ में जाके देख सकते हो कलर मिक्सर और कलर स्विचर्स। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको लीनियर सॉलिड है इसको लीनियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखो ये ऐसा कलर हो चुका है। मैं इस वाले आप घर जैसा सिंबल देख सकते हो, इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ कलर, और यहाँ से मैं येलो ऐसा सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा ग्रीन की तरफ ले जाना है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ग्रीन की तरफ ले जाना है और थोड़ा सा डार्क कर देना है। एक काम थोड़ा लाइट करता हूँ मैं। अब देखो गाइस ये तो ऐसा हो गया कि यहाँ पे यहाँ है, आप कलर शेड देख सकते हो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेकिन
लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाए, तो आप क्या करोगे? अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते तो आप सोचोगे कि पहले इसको आप ऐसे रहने दोगे, फिर इसको कलर करोगे, फिर उसके बाद इसको वैसा घुमा दोगे। तो उसके लिए ना एक और एक टूल यहाँ पे बना है, उसका शॉर्टकट की है F। यहाँ पे वाला आप देख सकते हो, ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। इस पे आप जैसे कलर पे सिलेक्ट करते हो, ये आप देख सकते हो, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये शेडेड कलर नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बन के आ रहा है। मैं इस पे से इसको रोटेट कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा रोट करके एकदम सीधा कर देता हूँ इसको। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करते हुए ये इसको छोटा भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने शेड को बिल्कुल चेंज कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हो राइट में पुराना वाला और लेफ्ट में नया वाला कैसा दिख रहा है, अलग अलग। तो बस ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। मैं इस वाले को भी ऐसे ही कर देता हूँ, थोड़ा इसको पहले लीनियर करूँगा मैं, और इसका शेड थोड़ा सा डार्क करना है, और ये मैं पूरा ब्लैक ही रख देता हूँ, थोड़ा सा लाइट रखता हूँ मैं। तब मैं इसको भी एकदम वैसे ही करूँगा। गाइज मैं अभी अभी शुरू कर रहा हूँ आपके साथ, इसलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ जाके, ताकि आपको थोड़ी मुश्किल नहीं हो। लेकिन मैं शॉर्टकट की याद है, मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करूँगा बाद में। अभी मैं इसको ऐसे रोटेट करके श्रिंक कर देता हूँ थोड़ा, और ये कलर ऐसा हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे आप देखो, ये लेयर है, इस लेयर पे आपने ये पूरा बनाया है। आई होप कि आप मेरे साथ बना रहे होंगे, या नहीं भी बना रहे तो कोई बात नहीं। आप देखो ध्यान से, ये इस लेयर पे ये पूरा हमने ड्रॉ किया है। अब अगर हमें एक और एक लेयर ऐड करनी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट लेयर, इस पे आप क्लिक करोगे एक और लेयर ऐड हो जाती है। इस लेयर पे अभी कुछ नहीं है, इसे इसकी फ्रेम वाइट है। इस लेयर पे कुछ भी होगा तो फिर उसकी फ्रेम ऐसी होती है। ओके, तो अब इसके बाद हम एक और काम करेंगे, ये कि इसको हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने से क्या होगा, अगर आप फोटोशॉप वगैरह कभी इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको मालूम होगा कि लेयर्स लॉक होती है, लेकिन अगर आप नहीं इस्तेमाल करते तो भूल जाइए। ये देखिए, लेयर्स को अगर आप यहाँ से लॉक कर देते हो तो फिर आप उस चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखो मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप इसको लॉक नहीं रखते हो तो आप आराम से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप इसको हाइड रख दो, ये आप यहाँ पे आँख देख सकते हो, अगर आप इस पर क्लिक करो तो फिर हाइड हो जाती लेयर। आप उसको सिलेक्ट तो कर नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, कुछ नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पे सीधा लॉक या आइस पे क्लिक करते हो तो फिर हर चीज़ लॉक या हाइड हो जाती है। आप दोनों साथ में भी रख सकते हो, इनको मतलब नहीं बनता उसका। मैं इस लेयर को सिर्फ लॉक करता हूँ, और इसका नाम आप डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो। मैं इसका नाम रख देता हूँ माउंटेन्स। अब ये दूसरी लेयर, इसका नाम मैं रखता हूँ सन। अब मैं एक सर्कल बनाऊंगा, यहाँ से आप इस लाइन का कलर, इस पे अगर आप क्लिक करो तो कैंसिल हो जाता है, यानी लाइन का कोई कलर ही नहीं होगा। अब मैं इसको सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और ये शेडेड कलर में आ रहा है, तो मैं इसको या तो चाहूँ तो येल्लो कलर रख सकता हूँ, तो ये मैंने रख दिया। ये बहुत सिंपल सा है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊंगा, और पिछले हमने लीनियर लिया था, इस बार मैं ये रेडियल आप देख सकते हो इस पर क्लिक करूंगा। तो इससे क्या हो रहा है कि सर्कल में आ रहा है, आपको भी दिख नहीं रहा होगा आपको, ताकि अच्छे समझ में आए मैं इसको वाइट और ब्लैक कर देता हूँ। तो गाइस आप समझ सकते हो अब कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। ये सीधा सीधा जाता है, ये सर्क्यूलर है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ सेंटर कलर दे दूँ येल्लो, और लास्ट का कलर भी येल्लो दे दूँ, तो आप देख सकते हो एकदम वैसे ही हो गया पहले की तरह। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ट्रांसपेरेंट दिखे सन, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके, या आप अल्फ़ा देख सकते हो यहाँ पर, आप जो भी कलर सेलेक्ट करोगे यहाँ से उसका अल्फ़ा आप अगर 100% रखते हो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं इसको करता हूँ 50%, और अब आपको इतना अच्छे दिख नहीं रहा होगा। मैं इसको 100% था, 50 किया है मैंने, मैं ज़ीरो कर देता हूँ। अब आपको कुछ फ़र्क दिख रहा है इसमें, ये देखो, ये सन के पीछे आप देख सकते हो
पहाड़ भी दिख रहे हैं, तो मैं इसको सेंटर में लाता हूँ। ठीक है, तो अब आप पहाड़ को देख सकते हो सन के पीछे, क्योंकि सन अब ट्रांसपेरेंट है। वो अलग बात है, जब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो तो आप नहीं देख सकते। तो गाइस अब आप देख सकते हो कि सन जो है वो पहाड़ के ऊपर है, जबकि वो पहाड़ के पीछे होना चाहिए। तो उसके हम क्या करेंगे, हम लोग ये जो लेयर है ना सन के नाम से, इसको होल्ड करके नीचे ड्रैग करेंगे और छोड़ेंगे जैसी। ये देखो सन पीछे चला गया उसके। अब हम लोग बैकग्राउंड का कलर देते हैं। तो अब बैकग्राउंड का कलर देने के लिए आपको ये वाला ब्लैक कलर से सिलेक्ट करके रखना है, और फिर यहाँ नीचे वाला एरो क्लिक करना है, और यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज देख सकते हो, ये यहाँ पे रह गई। आप इसको ये नहीं रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अब इस पर आप क्लिक करो, और फिर यहाँ से मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये ब्लू कलर स्काई के लिए, आप सन यहाँ देख सकते हो। तो अब आ जाते हैं हम मेन काम पे, कि आखिर ऐसा हम कैसे बनाएंगे कि सन वो पहाड़ के पीछे से होते हुए ऊपर की तरफ आता है और फिर अंधेरे से उजाला हो जाता है। तो सबसे पहले जब एनिमेशन शुरू होगी, सन कहाँ होना चाहिए उसको हम वहाँ पे रख देते हैं। सन होगा यहाँ, फर्क नहीं पड़ता वो फ्रेम के बाहर जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि इतनी फ्रेम आने वाली है। तो अब सन जो है यहाँ से, अब हम लोग F5 दबाएंगे। ध्यान रखिए F5। ये देखो आप, ये ब्लैंक फ्रेम्स बनते जा रही है। इसका ये मतलब होता है कि ये जो लास्ट की फ्रेम होगी ना, ये जो ऐसी फ्रेम होती है जिसमें ब्लैक डॉट होता है, वो उसमें जो भी कुछ होगा वो कंटिन्यूसली ऐसी रहने देना है सिंपली। तो इससे क्या होता है, अगर आप चाहो तो हर जगह F6 दबाते हुए ये फ्रेम भी डालते जा सकते हो। लेकिन सपोज अगर आप चाहो बिल्कुल अचानक कि यार यहाँ पे मुझे सन को ना, शायद ये देखो यहाँ पे आप जैसा चाहते थे हर जगह सन, वैसे ही मैं इसको ऊपर रखता हूँ या मैं इसको नीचे रख के इसको हाइड करता हूँ। हर चीज़ को इस्तेमाल करते चलेंगे हम लोग। आप देख सकते हो कि हर जगह सन ऐसा ही है। और सपोज अगर आप अचानक से चाहते हो कि सन यहाँ नहीं होना चाहिए, सन यहाँ पर होना चाहिए थोड़ा लेफ्ट साइड में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके साइड में करोगे, फिर हर फ्रेम को आप साइड में करते जाओगे। तो गाइस ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा और कोई भी अच्छा एनिमेटर ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो भले स्टार्टर हो, लेकिन ऐसे बहुत बेतुके काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए F5 फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ पे इसको लेफ्ट में रख देते हो तो फिर सन लेफ्ट में रहने वाला है। ये देखो लेफ्ट में है सन, कहीं नहीं जा रहा। यहीं अगर आप यहाँ पे ऐसा कर देते पूरा सिर्फ F6, तब ये देखो यहाँ पे अगर मैं सन को यहाँ कर दूँ, बाकी सब में सन वहीं पे, मुझे सब में वहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई हमारी फ्रेम्स के बारे में। तो अब हमने सबसे पहले सन को यहाँ पर रख दिया। अगर आप ये वाला टूल अगर आप देखो, तो फिर यहाँ से आप हर जगह देख सकते हो कहाँ पर है। तो अब हम चाहते हैं कि सन यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ आए, तो इसके लिए F5 फ्रेम्स करते जाएंगे। अभी मत पूछिए क्यों, बस मैं आपको बता रहा हूँ, वैसा करते जाइए या फिर देखते रहिए वीडियो को। अब ये देखो गाइस यहाँ पे 60 फ्रेम तक मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे मैं इस वाली फ्रेम पे क्लिक करके F6 दबाऊँगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी की फ्रेम बन चुकी है। गाइस मैं आपको बिल्कुल अच्छे से ऐसा नहीं समझा सकता कि आप एकदम अच्छे समझ जाओ फ्रेम्स को, जब तक आप खुद से एनिमेशन नहीं करोगे, खुद से कुछ ट्राई नहीं करोगे, आप नहीं सीख पाओगे। तो अब मैं इस फ्रेम पे क्या करूँगा, ध्यान दीजिए, यहाँ की फ्रेम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। बस ये वाली की फ्रेम को शिफ्ट दबा के मैं ऊपर ला रहा हूँ, मैं सन को इतना ऊपर तक लाऊंगा। अब देखो गाइस इसका ना, अगर आप बिल्कुल नया एनिमेटर हो तो आप सोचोगे कि मुझे हर की फ्रेम इस तरह से ऐसे बनानी पड़ेगी कि हर इसमें जा रहा है थोड़ा थोड़ा ऊपर। तो उसके लिए जो हमें करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ नॉर्मल F5 दबा के जो ब्लैंक फ्रेम बनी उस पर ये क्रिएट मोशन ट्वीन आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करना है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये कि आप इस पर क्लिक करो मिडल फ्रेम पे, और यहाँ नीचे वाला एरो दबाओ, और यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में देखोगे ट्वीन। तो हम यहाँ ट्वीन पे अगर आप
यहाँ पे से आप इसको शेप दे सकते हो। शेप देने से क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो गाइस यहाँ पे यही हो रहा है, आप देख सकते हो। शेप बड़े काम की चीज़ है, लेकिन अगर आप शेप को हर जगह इस्तेमाल करने जाओ तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो जैसे समझ लो कि यहाँ पे सन बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रहा है शेप से ही, अगर मैं इसको ऐसा खींच दूँ तो आप यकीन नहीं करोगे क्या होने वाला है। मैं इसको इस वाले टूल से आउटलाइन देता हूँ ताकि आप देख सको क्या हो रहा है। अब आप देखो, ये मैं माउंटेन्स को हाइड करता हूँ, ये देखो सन इस तरह से खींचता चला आ रहा है। तो गाइस ये काम होता है शेप का। एक्चुअली शेप का बहुत सारा यूज़ है, लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगा नहीं। बहुत यूज़फुल चीज़ है, हम आने वाले वीडियोस में भी इस्तेमाल करेंगे। मैं अगर आप यहाँ पे गलत ट्विन दे दो तो यहाँ पे से आप राइट क्लिक करके रिमूव ट्विन कर सकते हो। फिर इस पर क्लिक करके हम लोग क्रिएट मोशन ट्विन देंगे। इस पर क्लिक करते ही ये आप देख सकते हो सन ऐसा हो गया, बिल्कुल जैसा शेप में हो रहा था। लेकिन जो अगर आप सिर्फ चाहते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करे या कैसा भी मूव करे बिना अपने शेप को चेंज किए, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होता है क्रिएट मोशन टूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सन बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है ऊपर नीचे, एक्चुअली नीचे ही जा रहा, मैं उसको क्लिक कर होल्ड करके ही पीछे कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि सन ऐसा जाए, पहले स्पीड में फिर स्लो होता जाए, तो उसके लिए भी एक तरीका है। तो माउंटेन्स में ऑफकोर्स कोई एनिमेशन होने नहीं वाली। अब हम लोग सन के लेयर को भी लॉक करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम एनिमेशन को रन करके देखते हैं। तो पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+S। तो अब मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ और मैं इसके अंदर जाऊँगा और नाम रखता हूँ मैं 1 Sunrise। सेव कर दिया। ओके, अब ये सेव हो चुका है। मैं अब कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, ये शॉर्टकट की है। आप देख सकते हो कि सन ऊपर जा रहा है। अब आप लोगों को इतना लग नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा जर्की है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो FPS 12.0 FPS और यहाँ पे 00 सेकंड्स। ये देखो, जब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ एनिमेशन को, तो यहाँ पे सेकंड्स चेंज हो रहे हैं। ये बताता है कितना टाइम हुआ आपके एनिमेशन को चलते हुए। यहाँ तक आया तो फिर इसको 2 सेकंड हो चुके थे, यहाँ तक आया तो इसको 4 सेकंड हो चुके थे, और यहाँ पे इसको 4.9 यानी ऑलमोस्ट 5 सेकंड्स। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर डबल क्लिक करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ FPS को, यानी फ्रेम पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितनी फ्रेम्स चलेगी। तो गाइज इंडिया में तो 24 FPS पे चलता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में, वहाँ पे 30 FPS पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो हमारी आई साइट होती है वो 24 FPS पे दिखती है हर चीज़ को। यानी आप कोई चीज़ कितनी फास्ट होने दो, हमारी आईज उसको दिमाग तक 24 FPS पे ही पहुँचाती है, यानी कि 1 सेकेंड में 24 फ्रेम्स अलग अलग। तो आप चाहो तो फिर इंडिया के हिसाब से इसको 24 रख सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझे आदत है मैं इसको 30 FPS भी रखता हूँ। अब मैं यहाँ से ओके करूँगा। अब यहाँ पे जब मैं एंटर करता हूँ तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जब हमारी एनिमेशन पहले 5 सेकंड की थी ऑलमोस्ट, अब वो सिर्फ 2 सेकंड की हो चुकी है। उसकी वजह ये कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एनिमेशन की, और आप देख सकते हो कितना स्मूथली अब एनिमेशन चल रहा है। मैं अगर यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस करो, अगर आपका फाइल सेव होती है तो फिर यहाँ पे स्टार नहीं बन के आता। अगर आपकी फाइल यहाँ पे अगर आप देखते हो स्टार है, यानी आपकी फाइल सेव की हुई नहीं है। एक्चुअली मैंने सेव की थी, लेकिन जो मैंने चेंजेस किए इसमें अभी, जैसे FPS को चेंज कर दिया, वो चेंजेस मैंने अब तक सेव नहीं किए। तो अगर मैं चाहता हूँ सेव करना तो बस Ctrl+S। जैसे मैं Ctrl+S दबाऊंगा, ये देख सकते हो आप स्टार यहाँ से गायब हो गया, यानी कि फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं Ctrl+Enter दबाऊंगा तो मूवी शुरू हो जाती है। उसका लेंथी लॉन्ग तरीका, उसका फाइल पे जाना और फिर ये पब्लिश व्यू और फिर फ्लैश, ये बहुत लंबा प्रोसीजर। मैं बस Ctrl+Enter करूंगा और ये सनराइज। मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ, मैं एनिमेशन को थोड़ा और लंबा कर देता हूँ।
इसको मैं 3 सेकंड का कर रहा हूँ 90 फ्रेम्स, आप देख सकते हो 30 सेकंड्स। अब मैं चाहता हूँ सन यहाँ आने के बाद थोड़ी देर रुका रहे, तो मैं यहाँ पे F5 दबाऊंगा और जब तक मेरी मर्जी मैं 1 सेकंड इसको रुकाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं 4 होने तक करूँगा। ये हो गया 4। मैं 30 FPS का इस्तेमाल करूँ, आपकी मर्जी है। अगर आप 24 FPS का इस्तेमाल करते हैं तो फिर अपने हिसाब से आप फ्रेम्स को देख सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखिए या तो 24 पे रखिए या 30 पे रखिए, उसके अलावा बहुत कम या बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। तो अब इसके बाद मैं शुरू करता हूँ। तो गाइस अब हमें बनाना है कि हमारा सन बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है नीचे से ऊपर आते हुए। अब हम बनाना चाहते हैं, मैं सेव कर देता हूँ इस फाइल को, कंट्रोल एंटर, इसे कट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ जो SWF फाइल है, क्या ये जो आप वाइट कलर में देख सकते हो फ्लैश को, यहाँ पे रेड कलर में, ये वो है जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है, और ये वाइट कलर में। मैं इसको कट करता हूँ, मिनिमाइज करके आप दिखा दो, मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल नाम से बना दिया। और ये होगा अगर आप उस लेंदी तरीके से बनाने जाते हो तो यहाँ पे एक HTML फाइल जैसी बन जाती है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये देखो जहाँ पे भी आप ये डॉक्यूमेंट सेव करते हो अपना, ये रेड कलर का डॉक्यूमेंट, वहीं पे आपकी बाजू में SWF फाइल सेव हो जाती है। ये देखो SWF फाइल आपकी, इसको आप कंट्रोल F करके फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हो, लेकिन इसमें आप देख सकते हो बाहर साइड में से थोड़ा सा कटा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसीलिए इसको जब आप रन करो तो ऐसे ही देखो, बस सिंपली इतना ही आपको देखने वाला है वीडियो में। इसका साइज बड़ा होगा लेकिन आपको इतनी रेजोल्यूशन में देखने को मिलेगा। हम फ्रेम का साइज भी चेंज कर सकते हैं, वो चेंज करने का तरीका बस ये है, आप जहाँ से FPS पे करते हैं वहीं पे आप बस यहाँ पे डायमेंशन देख सकते हो, विथ और हाइट इसकी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो अब हम शुरू कर देते हैं कि अंधेरा और उजाला। मैं नई लेयर बनाऊंगा, इन दोनों को मैं हाइड कर देता हूँ। अब इस नई लेयर पे मैं ब्लैक और वाइट कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं स्क्वायर सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इस पे इस छोटे एरो पे क्लिक करोगे या होल्ड कर रखोगे तो फिर आपको ये वाला शेप भी मिल जाएगा, पॉलीस्टार। ठीक है, तो मैं स्क्वायर बनाने वाला हूँ अभी। मैं यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ और इसका कलर मैं दे देता हूँ सिलेक्ट करके ब्लैक। अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी रखता हूँ 80। ओके, अब यहाँ पे सन बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है, मैं यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी रख देता हूँ 0। हो गया काम। अब देखो मैं इन दोनों को शो करता हूँ। अब यहाँ पे एकदम अंधेरा होगा और एकदम से उजाला हो रहा है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि अंधेरा रहे धीरे धीरे उजाला हो, तो उसके लिए आपको ये नहीं करना है कि आप हर फ्रेम पे रुको, इसका अल्फा चेंज करो। आपको बस ये फ्रेम पे क्लिक करना है और जो मैंने आपको बताया था शेप, नीचे से आके शेप देना है। और आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था शेप के बहुत यूज़ होते हैं। तो अब ये डार्क से लाइट हो रहा है, आप देख सकते हो। मैं इसको सेव करके मूवी में रन कर रहा हूँ। ये देखा आपने, बिल्कुल परफेक्टली पहले अंधेरा होता है फिर उजाला हो रहा है धीरे धीरे। अब गाइस अगर आप ध्यान दो तो थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है कि सन बहुत ही अचानक से वहाँ आके रुक जा रहा है। तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं अपनी एनिमेशन की लेंथ अभी 4 सेकंड्स की रखी है मैंने, मैं इसको बढ़ा के 5 सेकंड्स की कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 सेकंड्स, ये 5 सेकंड्स की हो गई। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मोशन है ना, मैं इस मोशन पे क्लिक करके नीचे वाला एरो क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप ईज देख सकते हो, यानी ये ईज है, यानी कितने आसानी से मूव करना चाहिए, धीरे या फिर ईज अगर आप चाहो तो नेगेटिव में भी रख सकते हो, यानी कम। तो मैं चाहता हूँ ईज बढ़ती रहे उसकी, यानी उसका चलना आसान होता रहे, धीरे धीरे होता रहे, फिर एक टाइम ऐसा है कि जब वो रुक जाए। तो 100 बेस्ट है इसमें, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में आपको अलग अलग इस्तेमाल करने होते हैं, -100 तक जाता है ये। अब मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस, कंट्रोल एंटर। तो गाइज आपको मालूम ही नहीं पड़ा होगा कि कैसे कैसे वो सन रुक गया है, बहुत ही थोड़ा स्पीड से वो आना शुरू होता है, फिर अपनी स्पीड को कम करते 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 करते
बिल्कुल रुक जाता हूँ वहां पर। तो गाइज इस वाले वीडियो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें कवर कर दी। शेप को इस्तेमाल करने में अपने एनिमेशन में आप बहुत इन्जॉय करोगे, बहुत मज़ा आता है जब कोई दूसरा आपके एनिमेशन को देखता है, हंसता है कि वो आप शेप इस्तेमाल कर रहे हो, तो बहुत फनी लगता है हर चीज़। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सारी एनिमेशन बनाई है, बहुत मज़ा आता है, सब देखते हैं, सब हंसते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, इसको चलाना आप बहुत इन्जॉय करेंगे और कुछ टाइम में हम बहुत अच्छे एनिमेशन बनाना भी सीख जाएंगे। तो आज की फ्लैश ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, तो अगला ट्यूटोरियल भी जल्दी आ जाएगा। तो भाई इतनी सारी चीज़ें आज फ्लैश में कवर करने के बाद बहुत सी चीज़ें बच जाती है, ऐसा मत समझिए कि मैंने इतना कुछ बता दिया इस वीडियो में। आप दो चार बार देख के इस वीडियो को समझ जाते हो तो आप फ्लैश ऑलमोस्ट सीख गए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ बाकी है अभी। मैंने तो आपको हर टूल के बारे में भी नहीं बताया कि कौन सा टूल क्या इस्तेमाल होता है। वैसे हाँ कुछ टूल्स हैं जिसके बिना इस्तेमाल किए भी आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने काफ़ी चीज़ें नहीं बताई कि सिंबल क्या होता है, बटन क्या होता है, फिर उसमें आप फ्लैश के अंदर छोटी सी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, बहुत कुछ है फ्लैश में करने के लिए। तो हम धीरे धीरे हर चीज़ कवर करते जाएंगे। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।